देश भर च लोगों को ठंड महसूस होने लग गई। कई सूबों च लोगों ने गर्म कपड़े भी कढ़ने शुरू कर दिए ने। दूजे पासे केरल और तमिलनाडु के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों च भारी मीह दर्ज किया गया। हालात अजिहे ने कि मौसम विभाग ने केरल और कर्नाटक समेत कई सूबों में भारी मीह का अलर्ट जारी किया है, जबकि दिल्ली NCR के हवा गुणवत्ता सूचकांक लगातार माड़ी श्रेणी के बनया हुआ। मौसम विभाग अनुसार पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और राजधानी दिल्ली के अज भाव शनिवार को वध तो वध तापमान 32 डिग्री सैलसीयस और घट्टो घट तापमान 16 डिग्री रहने की संभावना है। हालांकि दिन वेले तेज धुप जो है वह दिखी। PTI एजेंसी के अनुसार दिल्ली की हवा की गुणवत्ता शुक्रवार को लगातार 5वें दिन माड़ी श्रेणी में रही है, आने वाले दिनों में इसके होर बिगड़न की संभावना है। दूजे पासे दिन वेले खुश्क मौसम कारण 0.6 डिग्री सैलसीयस का वाधा देखा गया, पर दिन का तापमान अजे भी आम के नेड़े है। गुरदासपुर सब तो वध तापमान 32 डिग्री सैलसीयस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आने वाले 6 दिनों में पंजाब का मौसम खुश्क रहने की भविष्यवाणी की है। हालांकि इस दौरान वध तो वध तापमान च कोई वड्डी तब्दीली दर्ज नहीं की जाएगी। पंजाब के प्रमुख शहरों में अमृतसर का वध तो वध तापमान 30.2, लुधियाना का 29.9, पटियाला 31.7, पठानकोट 31.6, फरीदकोट 30, गुरदासपुर 32, बरनाला 30, फरीदकोट 31.9, फतेहगढ़ साहब 30.9, फरीदकोट 30.90, मुक्तसर साहब 30.9 रिकॉर्ड किया गया। जबकि अमृतसर का घट्टो घट पारा 16.2, लुधियाना का 16.7, पटियाला का 16.1, पठानकोट का 15.2, बरनाला 15.5, फरीदकोट 17.8, फतेहगढ़ साहब 15.8, फिरोजपुर 16.1, गुरदासपुर 14.16, जलंधर 16.13 ते मुक्तसर दा 16.10 रहा। मौसम बदलता जा रहा है, जिस कारण सेहत का भी खास ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ, सवेरे से शाम ठंडिया हवावं चल दिया ने, इस करके लोगों ने गर्म कपड़े भी कढ़ने शुरू कर दिए ने। हालांकि भविष्यवाणी यही है कि अगले 6 दिनों मौसम खुश्क रहेगा। सब्सक्राइब टू वन इंडिया चैनल एंड नेवर मिस एन अपडेट।